अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईवा किया मोटर्स पे, जो कि साइड एरिया पे इनका शोरूम और इसकी सर्विसेज और कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में बहुत सुना है मैंने शोरूम पे। और आज आप मैं किया स्टोनी का रिव्यू लेके आया हूँ, जो उनकी बड़ी फेमस गाड़ी हो रही है उसके बारे में जानते हैं इनके मैनेजर से। तो चलें मेरे साथ अंदर आ जाएं। अब फाइनली हम शोरूम के अंदर आ चुके हैं और मेरे पीछे चमचमाती जो गाड़ी खड़ी हुई है किया स्टोनिक है, और यहाँ के सेल्स मैनेजर जो हैं उनसे जाकर बात करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। चलें मेरे साथ चलें। अस्सलाम सर, आप अपना नाम बताएगा? शमीर खान। शमीर खान है, सेल्स मैनेजर होते हैं आप? जी जी। तो किया स्टोनिक के बारे में आप बताएं और किया मोटर्स के बारे में बताएं, इतनी कामयाबी हुई आपकी, आती आपने एक मार्केट में जगह बनाई है किया ने, इसके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ आपको मैं। और देन किया स्टोनिक के बारे में बताएं, आपका नया यूनिट आया है जो कि धूम मचा रहा है मार्केट में। किया स्टोनिक के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये किया की बड़ी एक खूबसूरत और यूनिक कार थी जो हम इसको पाकिस्तान में लेके आए। ये टोटली यूरोप के लिए डिज़ाइन थी और हम लोगों की स्पेशली लकी मोटर कॉरपोरेशन की जो पाकिस्तान के लिए एक महकमा गिफ्ट दिया उन्होंने, तो वो इस स्टोनिक की शक्ल में दिया। और आपको इतनी बेस्ट क्वालिटी की, आला क्वालिटी की और ख़ूबसूरत ब्यूटीफुल लुक के साथ ऐसी गाड़ी आपको शायद पाकिस्तान में ना मिले। बड़ी एक स्टनिंग कार है और इसमें बेतहाशा आपको एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे। अगर स्टार्ट करें 1400 सी 1.4 लीटर का इसका इंजन है और MPI है, मल्टी पोर्ट इंजेक्टर इसमें इंजन का जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। इसके अलावा अगर टॉर्क की बात करें इसका, तो टॉर्क तकरीबन 136 न्यूटन मीटर के करीब है इसका, और इसकी पावर सप्लाई जो है इंजन की आउटपुट वो तकरीबन 100 PS के करीब है, और इसका तकरीबन RPM 4000 या 4500 के करीब ये पावर देता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो LED हेडलैम्प्स है, बाई फंक्शन LED हेडलैम्प्स, इसकी सबसे जो एक खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आती है कि जब आप दिन में स्टार्ट करते हैं इसकी DLR एक बड़ी कैट आई लुक देती है। जब भी गाड़ी आप आ रही होती है जी तो एक बिल्कुल ब्लैक में तो खास तौर पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक कैट आई लुक है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि किया की तमाम गाड़ियों की, कि आपने देखा होगा किया की गाड़ी जब रोड पर चलती तो एक साइलेंस होती है उसमें जी, सिर्फ गाड़ी की मूवमेंट नज़र आती है। इसीलिए किया का स्लोगन है कि मूवमेंट दैट इंस्पायर। अच्छा, मिनी SUV कहा जाए या इसको कॉम्पैक्ट SUV कहेंगे? कॉम्पैक्ट SUV। ये SUVs की कैटेगरी होती हैं, जैसे स्पोर्टेज आपको एक मिड SUV मिलती है, सोरेंटो आपको एक फुल SUV मिलती है, तो ये कॉम्पैक्ट SUV में आती है, इसलिए इसका नंबर भी वो SUV वाला ही लगता है। डबल अल्फाबेट देन 4 डिजिट्स। सर इसके अंदर दिखाएं अंदर इंटीरियर वगैरह। मैं आपको इसको बिल्कुल टायर साइज वगैरह हर चीज़ पर आपको इंटीरियर कवर करता हुआ जाऊँगा। टायर दिए 16 इंच के टायर दिए। इसके अलावा इसमें बॉडी कलर, डोर हैंडल, बॉडी कलर, साइड व्यू मिरर, आपको रूफ रेल मिलती है इसमें। अच्छा, इसमें दो वेरिएंट आए, एक EX+ आया और एक EX आया। जो EX+ है वो टॉप ऑफ द लाइन है, उसमें आपको सनरूफ मिलती है, रूफ रेल मिलती है, अच्छा, पुश स्टार्ट मिलता है, ये थोड़े से एडवांस फीचर है। और उसमें टायर साइज 16 का है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड वेरियंट है हमारा EX, उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगी और टायर साइज 15 इंच का मिलेगा, उसमें पोस्टर नहीं होगा, वो जैक नैप की होगी। सही। अच्छा, जो फ्रंट है वो हाइड्रोलिक दी है तो खुद ही ओपन हो जाती है। सही। और इजीली आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोर्ड स्पेयर्स दिखाएं। इसमें एक लगेज ट्रे भी दी हुई है। इसके अलावा इसमें जो टूल किट वगैरह पड़ी है उसके लिए अलग से ट्रे दी हुई है, ताकि गाड़ी चले तो सामान इधर उधर है नहीं, फिक्स हुआ हुआ सामान। इसका जो स्पेयर व्हील है वो स्टील रिम है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ चुके हैं, तो शामिल भाई बताएं आप। अच्छा, सबसे पहले तो मैं किया कि जो दो चीज़ें उसकी बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि एक तो सीट बड़ी कंफर्टेबल है किया की, और आप इसको लॉन्ग टूर पे लेके जाएं, आपको लेस टायरिंग सीट्स हैं,
अच्छा, इसके अलावा आर्टिफिशियल लेदर इसमें दिया गया है। आर्टिफिशियल लेदर बिल्कुल सीट स्मेल आर्टिफिशियल लेदर है। इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो आपको ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है आपको। अच्छा, इसके अलावा इसके जो राइट साइड के जो बटन है ये TFT स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं। इसमें आपका गाड़ी की टेम्परेचर, गाड़ी का फ्यूल एवरेज और डिस्टेंस वगैरह वो आपको बताता है। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड के इसके स्टीयरिंग स्विचेज हैं ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा इसमें वॉइस रिकग्निशन का भी फीचर है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी भी दिया गया। तो खास तौर पे क्लाइमेट कंट्रोल एसी का एक बड़ा फीचर ये है कि अगर आप ड्राइवर्स वगैरह को गाड़ियां देते हैं जो इतने ज़्यादा वेल मैं कहूँगा वेल अवेयर नहीं होते इन फीचर से, तो उसको सिंपल से ऑटो का बटन दबाने और वो सिस्टम जो एसी का सिस्टम है वो खुद टेम्परेचर रीड करके उसी हिसाब से कूलिंग देगा। तो उसमें ये होता है कि ड्राइवर ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करते इस चीज़ में। इसके अलावा आपको स्क्रीन मिलती है, रेयर कैमरा मिलता है और इसमें LED इसमें हेलोजन लाइट्स दी हुई हैं और दैट्स इट। आपके पास काफी हाइट इसकी अच्छी है, नी स्पेस काफी अच्छा है, लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। कितने बैठ सकते हैं इसके अंदर तुम? इजीली आप 3 बैठ सकते हैं आराम से। हां, स्पेस लग रहा है काफी। 5 सीटें का 5 सीटर बिल्कुल। सो वेलकम बैक। हम अभी आपको किया स्टोनिक के बारे में बता चुके हैं कि हमारे साथ शामिल साहब थे, उन्होंने बड़ा साथ दिया, शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे पास आए, थैंक यू सो मच। यहाँ ये सेल्स देखते हैं, आप इनसे आकर कांटेक्ट भी कर सकते हैं गाड़ी के मामले में, जो भी आपको किया स्पोर्टेज लेनी हो या स्टॉनिक लेनी हो। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से अगेन करता हूँ मैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आएंगी अभी किया के बारे में, जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनकी स्पोर्टेज है, स्टॉनिक है, इसके अलावा। तो सही, अल्लाह।